नमस्कार, एग्री कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 2 जुलाई। कल के सेशन में हमने देखा कि पूरे एग्री पैक के अंदर इनिशियल एक अच्छी खासी तेजी एडिबल ऑयल पैक में बनता हुआ दिखाई दिया, बट मसाला पैक कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि डिमांड कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, जिस ढंग से कोविड की तीसरे लहर की बात हो रही है और कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट है वो इम्पैक्ट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पूरे ही स्पाइसेस पैक पे दबाव ला रहा है। बट आज शुक्रवार है, जनरली हम देखते हैं शुक्रवार के सेशन में शॉर्ट कवरिंग रहती है, जिन भी कमोडिटी में बड़ी गिरावट है, तो आज का दिन हमें लगता है पूरे एग्री पैक को सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए, सोयाबीन की अगर हम बात करें तो जिस ढंग से सोइंग के आंकड़े आने की उम्मीद है वो खराब आ रहे हैं। इंटरनेशनल में भी यूएसडी की रिपोर्ट के बाद हमने देखा है जो प्लांटेशन है बिलो एक्सपेक्टेशन है, तो इंटरनेशनल में भी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी है और डोमेस्टिक मार्केट में भी सपोर्टिव है। तो आज पूरे एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी का रुख रहेगा, जहाँ पे सोयाबीन अगस्त वायदा हमें लगता है कि ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे सकता है, जो 7150 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं रिफाइंड सोया भी कल 1250 के ऊपर क्लोज दिया है, जो 1270 तक की जाने की कोशिश करेगा। पूरे मस्टर्ड के अंदर भी 7000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 7080 से 7120 तक का लेवल दिखा देगा। कैस्टर एक बड़ी तेजी के लिए तैयार कर रखा है, 5170 का लेवल तोड़ने पे 5300 तक के भी लेवल हम कैस्टर में देख पाएंगे। मसालों के अंदर कल की जो बड़ी गिरावट थी, इसके बाद मार्केट आज रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेगा, जहां हल्दी हमें लगता है कि 7300 तक का लेवल, जीरे में 13400 का लेवल और धनिया वापस 6800 की तरफ जाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। चने ने भी 5000 का लेवल रिगेन कर लिया है, जो टेक्निकली 5080 से 5090 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं कुकुट के अंदर भी कल लोअर लेवल से जो रिकवरी है, ये एक बाइंग का संकेत है, जो अपसाइड में 3000 तक का भी लेवल ओवरऑल दिखा सकता है। गवार सीड गवार गम एक रेंज में है, बट कल की गिरावट के बाद ये भी एक अट्रैक्टिव लेवल पे है, बाइंग करके चलिए। 4150 का टारगेट गवार सीड में और 6450 का टारगेट गवार गम में रहना चाहिए। सीपीओ के अंदर 1000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 1020 का लेवल तोड़ने पे 1036 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन 25000 का लेवल तोड़ने पे ही बड़ी तेजी कर सकता है। कुछ डैमेजेस की रिपोर्ट हुई है नॉर्थ साइड में, जहाँ पे हमने देखा पिंक बॉल वॉर्म का इन्फेक्शन है, जो प्राइजेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो धनिया के अंदर हमने प्राइजेस में थोड़ा पुलबैक देखा, जब तक प्राइजेस 6900 के ऊपर, जो ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज है, जब तक ये ब्रीच नहीं करता है प्राइजेस 6550 से लेकर 6850 के बीच में ही ट्रेड करेगा। जीरे के अंदर भी हमने बिकवाली बढ़ते हुए देखी है, बट 13000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल काफी स्ट्रांग है, जब तक 13000 का लेवल ब्रीच नहीं करता 13600 के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। हल्दी के अंदर भी हमने कुछ ऐसा ही असर देखा, हल्दी में स्विंग प्रोग्रेस अच्छी होने की वजह से दबाव है, डिमांड में अभी तक ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो 7000 से 7500 का एक रेंज है। टेक्निकली 7500 का लेवल तोड़ के होल्ड करना ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद ही हम बड़ी तेजी देख पाएंगे। मस्टर्ड ने 200 मूविंग एवरेज का लेवल कल टेस्ट कर चुका है, अगर 7000 के ऊपर प्राइसेस कंटिन्यू होल्ड करता है जुलाई वायदा, तो हम 7300 तक के भी लेवल मस्टर्ड में देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।